हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल दी है। जिला किन्नौर की ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात का दौर जारी है, तो वहीं निचले इलाकों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। जिला किन्नौर में हो रही बारिश व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से जिले के किसानों व बागवानों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि यह बारिश किसानों और बागवानों के लिए अमृत का काम करेगी। पिछली रात से जो रुक के बारिश और पहाड़ों पे जो बर्फ़ पड़ रही है, इससे जो किन्नौर के जो किसान बागवानों के लिए बहुत ही राहत और ये बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि इससे जो हमारा पेड़ पौधों के लिए प्लस और जो भी जंगलों में जो एक बहुमूल्य की जो गुच्छी वगैरह है वो सब उत्पन्न हो जाएगा, और ये आने वाले साल जो इस बार जो है जितनी बर्फ़ ऊँचाई तो पड़ती रहेगी, जो हमारे ट्रेडिशनल जो चश्मे हैं यहाँ पे जो पानी का जो है ये किल्लत नहीं रहेगी, और ये बहुत ही अच्छा है ये जो अभी लगातार दो दिन बारिश पड़ने वाली है, पिछले रात से रुक रुक के बारिश जो हो रही है बहुत ही अच्छा है ये हमारे किन्नौर के लिए। फ़िलहाल जो वेदर ख़राब चल रहा है, IMD की जो वेदर अलर्ट हमारे पास आ रहे हैं उसके हिसाब से वैसे तो कोई रेड और ऑरेंज अलर्ट वाली सिचुएशन किन्नौर ज़िले में नहीं है, लेकिन फिर भी वेदर को चेंज होते समय नहीं लगता है। उसको देखते हुए हमारी DUSC की जो टीम है वो लगातार संपर्क साधे हुए है, सभी जगह से रिपोर्ट वो कलेक्ट कर रही हैं, और अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना वाली स्थिति होती है, कुछ भी लैंडस्लाइड या कोई भी ऐसी बारिश की वजह से कुछ नुकसान होता है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट लेके हम उस पर एक्शन लेंगे। अपील मेरी तरफ से यही रहेगी कि जहाँ ख़राब मौसम रहता है, हमें पता है कि किन्नौर ज़िले के पहाड़ बड़े फ्रेजाइल हैं, शूटिंग स्टोन्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है जैसे ही बारिश होती है, लैंडस्लाइड भी यहाँ पर होना आम बात हो जाती है, तो अपील मैं यही करता हूँ कि लोग ऊँचे क्षेत्रों में और अगर अपनी जर्नी जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें और एहतियात बरतें ताकि हम सब लोग सुरक्षित रहें। आपका फैसला TV के लिए किन्नौर से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।